छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चौंकाने के बाद बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान में भी हैरान किया है। पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा के नाम पर मुख्यमंत्री बनने की मोहर लग चुकी है। शर्मा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव दिया, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था जितना दिख रहा है। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए हर तरह के जतन कर लिए थे। चुनाव नतीजों के बाद कहा गया कि उनके बेटे ने 17 विधायकों को रिजॉर्ट में बंधक बनाकर रखा है। इसके बाद आनंद फानंद में वसुंधरा दिल्ली तलब हुई थी। अब आपको मुख्यमंत्री पद पर हुए फैसले के दिन का घटनाक्रम बताते हैं कि कैसे भजनलाल शर्मा का नाम अचानक से सामने आया और उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी गई, कैसे दिल्ली से आया एक फोन और खेल हो गया। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह दोपहर में जयपुर पहुंचे थे। राजनाथ सिंह के साथ सह पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी जयपुर आए थे। राजस्थान में बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी चार्टर्ड प्लेन से उनके साथ पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनका स्वागत किया। पार्टी दफ्तर पर विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो दिल्ली से आए पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बीजेपी के कई नेताओं से अलग अलग कमरों में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दिया कुमारी और अनीता भदेल को अलग अलग कमरे में बैठाकर बातचीत की गई। मंगलवार को जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई, इसके बाद जेपी नड्डा का राजनाथ सिंह के पास कॉल आता है। इसके बाद एक पर्ची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथ में दी गई। इस पर्ची में राज्य के होने वाले सीएम का नाम था। वसुंधरा राजे ने पर्ची खोली और भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया। इस दौरान वसुंधरा राजे के हाव भाव से उनके मनोभाव पढ़ने की कोशिश लोग करते रहे। भजनलाल शर्मा ने झुककर वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह का अभिवादन किया। इस तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने एक बिल्कुल नए चेहरे को सीएम की कुर्सी सौंप दी। बता दें कि वसुंधरा राजे के बगावती तेवरों की चर्चा के बाद सीएम पद के लिए बीजेपी में गुटबाजी की खबरें आई थी। ऐसे में बीजेपी ने प्लान बी बनाते हुए जीतने वाले 8 निर्दलीय विधायकों को जयपुर बुला लिया था। जयपुर पहुंचे निर्दलीय विधायक एक होटल में रुके रहे। इन विधायकों को बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं था। हालांकि पार्टी को इनकी जरूरत नहीं पड़ी, वसुंधरा को ही भजनलाल का प्रस्तावक बनाया गया। बता दें कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे तो वही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।